हेलो गाइज, नमस्कार, वेलकम बैक टू MS ऑटो ब्लॉग्स। सो आज हम लाए हैं आपके लिए एक और वीडियो जिसमें मैं बताने वाला हूँ आज की इंडिया की फर्स्ट कार जो कि 5-स्टार रेटिंग कार थी, मतलब काफ़ी लोगों ने उसे पसंद किया था। मिनी SUV आप उसे कह सकते हो, SUV कह सकते हो। ये है ब्रांड बिलोंग टू टाटा, तो रतन टाटा जी, और ये कार है आपकी टाटा की नेक्सॉन। सो नेक्सॉन में एक न्यू वेरिएंट न्यू लॉन्च होने वाला है जो कि आने वाला है आपका ICNG, और वो भी आपका क्रिएटिव मॉडल के अंदर कलर होगा आपका ओशन ब्लू। सो टाटा इसको स्पेशल लॉन्च करने वाली है और इसकी कार की डिटेल आपको थोड़ी देर दूंगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि टाटा ने खास क्या कर रखा है, मतलब टाटा की कार कब आई थी नेक्सॉन और नेक्सॉन की हिस्ट्री क्या है। सो सबसे पहले मैं आपको नेक्सॉन के बारे में बताता हूँ। तो जी, टाटा नेक्सॉन सबसे पहले जो लॉन्च हुई थी वो लॉन्च हुई थी 2017 में, और उसके बाद भी उस कार ने 5-स्टार रेटिंग मतलब ले ली थी, जो आपकी ग्लोबल NCP रेटिंग है, जो आपकी कारों की टेस्ट करती है सेफ्टी रिगार्डिंग। तो वहाँ से उसको 5-स्टार रेटिंग मिल चुकी थी, पहली कार थी वो जिसको 5-स्टार रेटिंग मिली थी। उसके बाद ये लॉन्च हुई थी 2020 में। 2020 में इसका दूसरा वेरियंट आया था, दूसरा फेसलिफ्ट आया था, जिसे हम कहते हैं 2.0। तो ये आया था आपका जब BS6 का कन्वर्जन हो गया था, BS6 की गाड़ी आ गई थी, तब इसको 2.0 में लॉन्च कर दिया था। उसके बाद आया अभी जो आपका रिसेंट चल रहा है, 2023 में रीलॉन्च हुआ था। इसके अंदर ना आपको थोड़ा सा जो लुक एंड प्रेजेंस है वो टाटा कर्व की मिलेगी। टाटा नेक्सॉन के अंदर आपको 1200 cc का 1.2 लीटर का आपको रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन मिल जाता है, और जो आपका 3 सिलेंडर इंजन है वहीं आपको डीजल मिल जाता है रेवोट्रॉक का 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन। सो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि भाई 3 सिलेंडर को थोड़ा सा डेवलप कीजिए, बिकॉज थोड़ा सा कहीं ना कहीं वाइब्रेशन देता है 3 सिलेंडर इंजन, बट सेफ्टी और फीचर्स के मामले में गाड़ी वन ऑफ द बेस्ट कार है। टाटा के अंदर जो ये नेक्सॉन आई थी, नेक्सॉन के अंदर ना इसके बाद काफ़ी सारे एडिशन लॉन्च हुए थे, मतलब आपका डार्क एडिशन, आपका जेड एडिशन, आपका काजीरंगा एडिशन और आपका रेड ब्लैक एडिशन। सो ये 3-4 एडिशन जो टाटा ने इसके बाद लॉन्च किए थे। अब उसके बाद एक क्रांतिकारी टाटा लेके आया भी जो मार्केट में थोड़ा क्रांतिकारी था, टाटा नेक्सॉन की EV। सो काफ़ी लोगों ने EV ली है, काफ़ी लोगों ने EV पसंद की है, अभी भी काफ़ी EV की सेल्स है, मार्केट है। और EV जो है वो मतलब आपके दिल्ली NCR और ऐसे जैसे शहरों में ना सिटीज़ में काफ़ी अच्छी है, मतलब जो कुछ लोगों ने ज़रूर कंप्लेंट की भाई जितनी रेंज टाटा ने बोली है उतनी नहीं आ पा रही है, बट स्टिल लोग उसको प्रीफर कर रहे हैं बिकॉज उसमें 8 साल की वारंटी मिल जाती है, और क्या चाहिए आपको। सो इतने ईयर्स तो आप बैटरी और आपकी मोटर्स वगैरह आराम से चल जाएंगी, तो लोगों का जो ज़्यादा रनिंग करते हैं उनके लिए पैसा वसूल गाड़ी ज़रूर है। और सेल्स नंबर टाटा के कुछ इस तरह है, जैसे आप देखेंगे 2017 से 2023 तक टाटा की जर्नी मतलब कितने से स्टार्ट हुई थी और कितने पे पहुँच गई है और आगे भी ज़रूर जारी रहेगी। तो ये टाटा नेक्सॉन की सेल है जो आपको फिगर्स दिख रहे हैं 2017 से 2023 के। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये है आपका ओशन ब्लू कलर, ये आपको खास मिलेगा क्रिएटिव के अंदर, और टाटा इसी के अंदर लाने वाला है CNG। तो टाटा ने स्पेशली ये कार को शो किया है, शोकेस किया है। इसका कलर बहुत यूनिक है, इसका डिज़ाइन एकदम अट्रैक्टिव है गाड़ी का, मतलब जो कलर के ऊपर गाड़ी का जो डिज़ाइन है ना वो बिल्कुल खिलके आ रहा है। और टाटा कर्व की इसके अंदर आपको लाइट एंड लुक्स और प्रेजेंस इसके अंदर मिल जाएगी। अगर ICNG में बात करूं, जो ये गाड़ी ICNG में आने वाली है, सबसे पहली बात इसके अंदर आपको बूट स्पेस पूरा मिल जाएगा, 382 लीटर का बूट स्पेस आता है। सो टाटा ने स्पेशली जो CNG के लिए डेवलप कर रखा है वो डेवलप किया हुआ है आपका ट्विन सिलेंडर वाली टेक्नोलॉजी। सो इसके 2 सिलेंडर होंगे जो आपके बूट के बिल्कुल अंदर होंगे, जो आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके ऊपर एक मेटल्स की लेयर सी आती है, उसके ऊपर आपका कवर आता है, सो आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी गाड़ी में CNG है। इस तरह से टाटा ने इसके अंदर टेक्नोलॉजी फिट की हुई है। टाटा की टेक्नोलॉजी में एक और बात है जो CNG में खास है, भाई ECU इसका सिंगल है गाड़ी का, और दूसरी बात इसमें आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी गाड़ी CNG के अंदर। भाई आप कोई भी गाड़ी ले लो जो मतलब कंपनी फिटेड हो, आउटर फिटेड हो, उसको स्टार्ट करने के लिए आपको गाड़ी में पेट्रोल चाहिए। सो टाटा ने उस चीज़ को भी हटा दिया, भाई आप सीधा स्टार्ट करो CNG में, सीधा बंद करो CNG में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी गाड़ी के अंदर। इतने सारे सेफ्टी फीचर दे दिए हैं गाड़ी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं होगी। और टाटा की टेक्नोलॉजी भाई वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी अभी मार्केट के अंदर हो रही है। जो सेल्स फिगर है वो आपको ज़रूर बता देंगे कि टाटा कैसी चल रही है। अगर पेट्रोल के अंदर बात करूँ, इसमें आएगा 1.2 लीटर का 1199 cc का 3 सिलेंडर इंजन, जो 118 bhp प्रोड्यूस करेगा और 100
70 न्यूटीमीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। फ्यूल टैंक इसका होगा 44 लीटर का और बूट स्पेस होगा 382 लीटर का, वो आपको पूरा मिल जाएगा। अभी जैसे इस गाड़ी के अंदर देख रहा हूँ मैं, नीचे आपको दिख रहा होगा स्टेपनी को ना इन्होंने व्हाइट कर रखा है। व्हाइट किस लिए किया हुआ, ताकि आपको पता चल जाए स्टेपनी की प्लेसमेंट कैसी है। व्हाइट नहीं आएगी वो आप टेंशन मत लो। स्टेपनी की प्लेसमेंट बता रखी है नीचे, उसमें लॉक सा लगा हुआ है, लॉक के साथ जैसे आप उस पर देखते हो टोयोटा इनोवा में एक हुक सा लगा के उसको घुमाओ तो आपकी स्टेपनी नीचे आ जाती है, उसी तरह से स्टेपनी आपकी ऑपरेट होगी। बाकी सीएनजी सिलेंडर है, सीएनजी के साथ वो बूट स्पेस मिल जाता है जो आपको कंपनी में कोई नहीं देती, मतलब कोई भी गाड़ी ब्रांड कोई आपको नहीं देती बूट स्पेस सीएनजी के अंदर। सो टाटा ये स्पेशल टेक्नोलॉजी लेके आया है। अभी आप टाटा नेक्सोन के अलावा अगर टाटा टियागो और टाटा टाइगर यूज़ कर देख रहे हैं तो उसके अंदर तो आपको AMT भी मिल जाएगा। सो यार क्या सोच रहे हो, मतलब AMT इन CNG और इस नेक्सोन के अंदर ना टर्बो चार्ज आने वाला है, टर्बो चार्ज CNG इंजन। सो ये भी वन ऑफ द बेस्ट थिंग होगी जो मार्केट में अभी टाटा लॉन्च करने वाला है। अगर मैं अभी बात करूँ ना तो क्रिएटिव जो स्टार्ट होती है वो 11.09 लाख से स्टार्ट होती है और ये CNG के अंदर लॉन्च होने वाली है नेक्स्ट मंथ, मतलब जून 2024 के अंदर। सो अगर जो इसका एक्सपेक्टेड प्राइस मैं मानूँ, सो आप लाख सवा लाख रुपए ऊपर ले लो, सो 11.09, सो 12.5 के अंदर ये गाड़ी आनी चाहिए, क्योंकि स्पेशल है तो अभी स्टार्टिंग में इसका स्पेशल ही प्राइस आएगा। एक्सपेक्टेड है मेरे हिसाब से अगर लॉन्च हो सकती है 11.99 के अंदर भी लॉन्च हो सकती है टाटा नेक्सोन की ICNG। इसके चार मॉडल्स आते हैं, सो आपके स्पेसिफिकेशन और फीचर के हिसाब से आप उसको चूज कर सकते हैं, 4 से 6 मॉडल्स क्रिएटिव के अंदर। तो कुछ खास बातें जो इस गाड़ी को सबसे स्पेशल बनाती है, 16 इंच के अलॉय व्हील्स वो आपको क्रिएटिव के कोई भी मॉडल ले लो सबके अंदर मिल जाएंगे, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, क्रूज कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, 10.25 इंच का टच स्क्रीन विद हरमन, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, आपको ड्राइव के मोड्स मिल जाएंगे। और भाई AMT के अंदर ना इसमें कुछ खास है, इसमें AMT आता है और DC आता है। सो जी अगर आपका बजट है ना तो DC ले लेना, डुअल क्लच ऑटोमेटिक, सो भाई मज़ा आ जाएगा उसको चला के, AMT से ज़्यादा खतरनाक है वो गाड़ी चलाने में। और उसके अंदर आपको पैडल शिफ्ट मिल जाएंगे अगर आप DCA में जाते हैं तो। सो मैं ये कहूँगा कि टाटा ने जरूर मार्केट में धूम पीट रखी है, 208 mm की ग्राउंड क्लियरेंस और क्या चाहिए आपको, इतनी हाइट पर गाड़ी आपको मिल जाएगी। सो भाई सेफ्टी भी, फीचर भी, टेक्नोलॉजी भी, CNG भी, सेविंग्स भी और प्राइस एकदम कॉम्पिटिटिव। सो ये है टाटा की मार्केट। और बाकी गाड़ी अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर वेट कीजिए, अभी जून 2024 के अराउंड इस गाड़ी का लॉन्च होगा आपका ICNG के अंदर। अभी ICNG के अंदर आपकी टाटा टियागो, टाटा टाइगर और आपकी एल्ट्रोज आ चुकी है, सो ये तीन भी आप ले सकते हैं। और सो टाटा नहीं कहूँगा, सबसे ज़्यादा ऑप्शन दे रखे हैं पेट्रोल, डीजल, CNG, इलेक्ट्रिक, भाई चारों ऑप्शन दे रखे हैं। फीचर्स लोडेड है गाड़ी में, क्या चाहिए आपको बताओ। सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग है और ये गाड़ी भी वन ऑफ द बेस्ट है, टाटा टाइगर, टाटा की नेक्सोन CNG ICNG। सो वेट फॉर द नेक्स्ट मंथ, प्राइस मैंने बता दिया आपको एक्सपेक्टेड, अगर स्पेशल प्री लॉन्च प्राइस आया तो 11.99 आएगा, उससे ऊपर आया तो 12.5 के अंदर होगी जो फर्स्ट वेरिएंट होगा क्रिएटिव के अंदर, बिकॉज एक स्पेशल कलर है ये, सिर्फ आपको क्रिएटिव मॉडल के अंदर ही मिलेगा ओशन ब्लू कलर। सो बता देना, ये थी स्पेशल वीडियो आपके लिए टाटा नेक्सोन की, और बाकी और वीडियो आपके लिए आती रहेगी। थैंक यू गाइज़।